अरे वो देखो, खिलौने वाला आ गया है। चलो चलो चलते हैं। वाह कितना अच्छा है, कहानी सुनाने वाला आया है। कहानी सुनाने वाला आया है, कहानी सुनाने वाला आया है। एक कहानी सुनाइए ना फेरी वाले। जब नन्हे नन्हे ग्राहक आ गए हैं तो फेरी वाले को तो कहानी सुनानी ही पड़ेगी। सिर्फ फेरी वाले नहीं, कहानी सुनाने वाले फेरी वाले। ये लड़की ठीक ही बोली है, सिर्फ फेरी वाला नहीं, टप्पा फेरी वाला। अब जल्दी कहानी सुनाइए ना। कहानी ठीक है ठीक है, आज तुम लोगों को एक भूत की कहानी सुनाओ। नहीं नहीं भूत भूत राजा राजा नहीं कि नहीं, दूसरी कहानी दूसरी कहानी सुनाइए, कहानी सुनाइए। फिर दूसरी कहानी, अच्छा दूसरी सुनाता हूँ, सुनो तो। हनुमानपुर गांव में सुबोल चंद्र और सुनील चंद्र को सब पहचानते थे, किंतु नाम के अनुरूप ये मनुष्य नहीं होते हैं। यदि होते तो नयन सुख नाम का आदमी अंधा नहीं होता। इस क्षेत्र में ऐसा ही नाम सुबल चंद्र था, लेकिन उसका शरीर एकदम दुर्बल था। इधर जिसका नाम सुनील था वो भी कोई शांत या शिष्ट नहीं था। बेटा सुबोल। अरे बूढ़ी दादी। ओ बोल, बागीचा के कई पेड़ों के फल को खाती हूँ, तुम्हारे बेटे की वजह से हम परेशान हैं, हमको भूख से मरना होगा, एक भी अमरूद नहीं छोड़ा है तुम्हारे बेटे ने। देखता हूँ, उसे उसे नहीं छोड़ूंगा, उस बंदर को। अरे बाप रे, कमर में दर्द है, कविराज के पास जाना होगा, कविराज के पास जाना होगा, कविराज के यहाँ जाना होगा उसके पहले। वाह क्या मीठा फल है, खाके देख। वाह सही में ये तो बहुत मीठा है अमरूद। सुनील, ए सुनील, ए बेवकूफ बंदर, पेड़ से नीचे उतर, बोल रहा हूँ। ए ए गधे, भाग कह रहा है, रुक जा रुक जा। ए बोल रहा हूँ, ओए ओए ओए, भाग कर कहाँ जाएगा। ए रुक रुक जा। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः। ओह ओह, अरे बाप रे, कमर दर्द कर रहा है। ये बंदर कल खूब दौड़ाया है, एक बार इसे हाथ लगने दो। इसके हाथ पैर बांध कर उसको। कौन? तुम्हारा बाप। यूं दबे पैर चोर के जैसे कहां जा रहे थे? मिट्ठू के घर कच्चा आम तोड़ने। क्या? ना 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 पापा, ना ना ऐसे ना ना। ओ जाए तब। अब बोल हरामजादे, कल चकमा देकर भाग गया, सोच रहा था पकड़ में नहीं आएगा, और नहीं भाग सकता अब, और नहीं, अब चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर।
नहीं तो मीठू के घर नहीं जा सकता, मैं यहीं पर बैठा हूं। चांद का छाया सूर्य के ऊपर, चांद का छाया सूर्य के ऊपर, चांद का छाया चांद के ऊपर, चांद का छाया चांद के ऊपर, चांद का छाया चांद पर पड़ने से बोलते हैं सूर्य ग्रहण, बोले सूर्य ग्रहण। सुशील, ए सुशील, ए सुशील, क्या रे? आज सुबह से बोस के घर में खूब धूम मची है। हाँ रे, उनके घर आज पटाखा फूटने वाला है। पापा दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे हैं। क्यों रे बंदर, चुप क्यों हो गया? बाबा रे, नहीं मैं तो पढ़ रहा हूँ। चांद का छाया सूरज के ऊपर पड़ने से बोलते हैं चंद्र ग्रहण। स्कूल जाने का समय हो गया, अब उड़ जा, उड़ जा, उड़ जा। स्कूल? हे, क्या हुआ? बताओ तो। आज स्कूल के घर में भूगोल की परीक्षा, उसकी तैयारी नहीं है। और आज बोस के घर में बहुत सारी धूमधाम होने वाली है। क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हुआ? ना, मेरे पेट में दर्द है। आओ, पेट में दर्द हो रहा है पापा, खूब जोर का दर्द है पापा, मारे माँ। रुको, इसकी दवा मेरे पास है। ना 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 ना, अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं, चुप करके यहाँ सो जा, मैं पाचक तैयार करके लाता हूँ। यूं आया। पीठ का बात देकर कहीं मैं झमेले में तो नहीं पड़ जाऊंगा? तुम्हारे लिए ताजा ताजा लेमन जूस लाया था, सोचा था शाम के समय तेरे हाथ में लेमन जूस देकर बोस के घर पटाखे फोड़ने भेजने वाला था। खैर, अब तो तुम जा नहीं सकते। हाँ, इस लेमन जूस को लेकर काली को दे दूंगा। तुम एक काम करो, इस पाचक को पीकर चुपचाप सो जाओ। पापा, मेरे पेट का दर्द एकदम खत्म हो गया। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा क्या हो सकता है? ए, ए, क्या क्या रे, दर्द खत्म? फिर शुरू होगा? ना ना, हम कहते हैं तुम इस पाचक को पी ही लो, चुप कर पी लो। तब तक हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते हैं। अब तुम्हारा पेट दर्द गायब हो जाएगा। मारे माँ, कितना कड़वा है अथू। ना बेटा, मेरा आदमी नहीं हुआ। अरे, इस उम्र में कहाँ पढ़ाई लिखाई करता, शांत शिष्ट होकर चलता तो लोग कहते लड़का बहुत अच्छा है, किंतु हुड़होड़ी, झगड़ा, झमेला, दिन भर बदमाशी करता रहता। अरे, मैंने जो पापा को पेट के दर्द के बारे में बोला था, सुबह से घर में बंद करके सीकड़ी लगा दी। अगर मेरा उम्र सुनील के जैसा हो जाता तो मन से पढ़ाई लिखाई कर देश समाज का सेवा करता। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, एक बार, केवल एक बार मेरा उम्र मेरे बेटे जैसा कर दो, माँ मैं धन्य हो जाऊंगा। अपने भक्तों की सुन लो। इश, जैसे लगता है बोस के घर आतिशबाजी शुरू हो गई है। सही, अगर मेरी उम्र पापा जैसी होती तो कितना मजा होता, अपनी खुशी से कहीं भी जा सकता था, जो इच्छा वो खाता, मुट्ठी मुट्ठी लेमन जूस खाता, कोई हमको जोर देकर नहीं पढ़ाता। कितना मजा आता, सारा दिन खेलना और खेलना। हे माँ दुर्गा, मेरी उम्र मेरे पापा जैसा कर दो माँ। हे पार्वती, देखो ये दो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं,
क्या करेंगी इस बार? वरदान देंगी? ये कैसे होगा प्रभु? तुम ही देख लो। हे मेरे प्रभु, वरदान देने का मतलब सृष्टि के नियम का उल्लंघन करना होगा, किंतु नहीं देने से भी भक्तों का मन टूट जाएगा। जाकर देखती हूँ। भक्त सुबोल, मेरा स्मरण क्यों कर रहे हो? माँ देवी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं मेरे बेटे की उम्र सुनील के उम्र का हो जाऊं। किंतु बच्चा, पृथ्वी का हर प्राणी शु बाल्य और यौवन को प्राप्त करता है और उसके बाद वृद्ध होकर मृत्यु के करीब जाता है, और तुम इस उम्र में यौवन की तरफ क्यों लौटना चाहते हो? ये तो सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। माँ, मैं बाल्यावस्था में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया माँ, इसलिए हमारी इच्छा थी कि अपने बेटे को अपने मन के अनुसार तैयार करूँगा। पढ़ाई लिखाई सीखकर वो देश और समाज की सेवा करेगा, किंतु वो अशिक्षित ही रह गया। इसलिए माँ, आप मुझे मेरे बेटे की उम्र का बना दो, जिससे तुम पढ़ाई लिखाई कर अपना इच्छा पूर्ण कर सकते हो। तथास्तु। कोई एक बार भी मुझे पढ़ने को नहीं बोलता, ओह तो कितना मजा आता। बच्चा सुशील, किस कारण से तुम मेरा स्मरण कर रहे हो? माँ, हे माँ, तुम मुझे ऐसा वर दो कि मैं अपने पापा जैसा बड़ा हो जाऊँ। इतना वर होने के बाद भी ये वर क्यों बेटा? देखो माँ, मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं, केवल अच्छा लगता है पेड़ पर चढ़ना, तैरना, खेलना, कूदना, और अच्छा लगता है लेमन जूस खाना। मेरे पापा न तो खेलने देते हैं, न तो खाने देते हैं, न देते हैं लेमन जूस, सिर्फ पढ़ाई करने को कहते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अगर पापा के जैसा बड़ा हो जाऊं तो जो खुशी सब कर सकते हो, जो इच्छा खा सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यही ना? हाँ माँ, किंतु छोटे उम्र का खेल बड़ा होने पर अच्छा नहीं लगता है बेटा। मुझे अच्छा लगेगा माँ, हमें बड़ा कर दीजिए माँ। तथास्तु। ओह, शरीर में अचानक फूर्ति सी आ गई है। शी बाबा, हे पापा, आप ऐसे मत उछलिए, गिरने से पैर टूट जाएगा। जाइए, हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ जाइए। ना, अभी मुझे खेलना है, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, मैं बाहर घुमाता हूँ। नहीं, सुबह सुबह पढ़ना ठीक होता है। जाओ पढ़ने बैठो, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ बेटा। इतनी कम उम्र में हुक्का, तुम्हारा साहस कितना है? बाप के सामने तंबाकू, कुछ लाजशर्म है कि नहीं इसे? तुम ये ऐसा कर ही कैसे सकते हो? बाप के सामने तंबाकू खाओगे? बाबा, तुम हमसे बहुत छोटे हो, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान न देकर तुम पढ़ाई करो। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ, पढ़ रहा हूँ।
ए, ए बिरजू, चलो जल्दी चलो। अरे ये बच्चा, अरे हुक्का की बात ये क्यों कर रहा है? क्या हो गया? इसकी आवाज भी कुछ अलग आ रही है। क्या रे बिरजू, क्या हुआ? कुछ गुंगा उंगा हो गया क्या? ना ना, मैं जय कृष्ण बाबू के यहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ वही जाते रहो है? कभी कभी हमारी चौकट पर भी आया करो। देखो तो ये, अरे भाई मैं तो ये भूल ही गया कि मैं बड़ा आदमी छोटा बन गया हूँ, और ये तो इस बेचारे को पता ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कभी आऊंगा मैं तुम्हारे पास, जरूर आऊंगा, पर कुछ दिन बाद। उम्र हो गया है मगर आदत नहीं गई। मरने चला है, मर मत। ये हम लोगों की सुबिल भैया है ना? हाँ, पहले तो भैया ही था, अब बूढ़ा उम्र में बच्चा बनने का शौक चढ़ा है, मर मर। हाय रे, अब तो मेरी उम्र हो गई है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था। बहुत दिन हो गया इस अमरूद के पेड़ पर नहीं चढ़ा। अरे मेरा दोस्त तो पेड़ पे ही है, आज तो मजा ही आने वाला है। चले चुपके चुपके नोटू को चौंका देंगे। ए नोटू, ए नोटू। अरे बाप रे, ये तो सुबोध काका। अरे ना रे सुनील, तुम्हारा दोस्त। रुक तो पहले, मेरी बात सुन। पहले तो उसने मेरा, अब बाप रे मेरे पेड़ का सत्यानाश कर दिया रे। ये कहाँ फंस गया? तू हमारे हाथ से भागकर जाएगा कहाँ? रुक तू। सही में देश का जो हाल हुआ है, छोटा बड़ा का सम्मान ही नहीं रहा। सामने देखो, अकड़ तो देखो इसकी। ये सब अगर मेरे पाले में पड़ता तो मार कर चमड़ा उछाल देता। किंतु एक बात है, गांव में अगर शासन है तो सुबोल के पास है। मुझे लगता है तुम्हें भी सही लगेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हो, कैसे हो सारे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, हुक्का तो तैयार है, कितनी अच्छी बात है। तुम तो सारे तैयार ही बैठे हो, सारा मजा क्या अकेले ही ले लोगे? दो मुझे। छी 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 छी, नरक में जाओगे। क्यों, नरक में क्यों जाऊंगा काका? बदमाश लड़के, तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छा आदमी बनाने के लिए कितना परिश्रम करता है, और तुम अपने बाप के उम्र के लोगों के सामने हुक्का पी रहे हो। तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा सुबोल हूँ। तो अब झूठ भी बोलना सीख लिए हो, दुष्ट बंदर। इस लाठी से पीट कर ठीक कर दूंगा तुम्हें। अरे बाप रे बाप, भागो रे भागो। अरे तू भाग कर जाएगा कहाँ, बंदर कहीं का। अरे पापा, आप ऐसे हाँफ क्यों रहे हो? बताता हूँ, बताता हूँ। आज मैं जब गांव के रास्ते से गुजर रहा था, तब तभी चंडी मंडप अरे सारा दिन तुम कहाँ थे? चंडी मंडप में वहां पे भी नहीं थे, कहाँ थे तुम? फिर इस समय दरवाजा बंद करके घर में बैठे हो, तबीयत तो ठीक है ना?
आराम कर रहे थे क्या? हाँ, चंडी मंडप नहीं गया, हम नदी किनारे घूमने निकले थे। उसी समय ऐसे तो बहुत मुश्किल हो रही है माँ, माँ दुर्गा, अब हम लोगों को मुक्ति दे दो, मुक्ति दो। हाँ माँ, मुक्ति दो माँ, मुक्ति दो। क्या हुआ, तुम दोनों मेरा स्मरण क्यों कर रहे हो? माँ, माँ मुझे ये कैसा वरदान दे दिया माँ? ये वर नहीं है माँ, ये तो श्राप है, श्राप। क्या करूँ बेटा, तुमने जो चाहा मैंने तो वही दिया है। मैं समझा रही थी तो तुम लोग समझे नहीं। सोची जब समय आएगा समझ जाओगे। हे माँ, ये तुम्हारी महिमा मैं समझ गया हूँ माँ, और नहीं पर इस बार क्षमा करो माँ, हम लोगों को पहले जैसी अवस्था में ले आओ माँ, इस बार क्षमा कर दो, क्षमा करो माँ। वही करो माँ, जो पापा कह रहे हैं वही करो। ओए, 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 कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जाओ जाओ, अपनी पढ़ाई लेकर बैठ जाओ, चलो जाओ जल्दी। पापा, किताब नहीं है, खो गई है। फिर वही नौटंकी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरी कहानी खत्म हुई। उड़ा कर पथ का धूल, अब दोनों ना करेंगे भूल। अगली बार सुनोगे कहानी केवल मात्र राजा रानी। पढ़ने का अब करो तुम काम, सुनकर कहानी हो गई शाम। कल तुम सुबह सुबह को आना, आ जाएंगे काना मामा। खोल कर कॉपी सुनाएंगे कहानी, याद आएगी सबको तुम्हारी नानी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी नानी। Oh, 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 oh.